इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। प्रश्न क्या है? जो निर्गुण था वो सगुण क्यों हुआ? उत्तर क्या है? निर्गुण सगुण दो है ही नहीं, दोनों एक है। कल जो प्रश्न किया था, परसों रात को बच्चे ने, आदर्श ने शायद प्रश्न किया था, है कि नहीं? आदर्श बोलते बहुत अच्छा है भाई, आप बहुत अच्छा, मैं सुन रहा था आपको। वो जो द्वैत अद्वैत का आपका प्रश्न है, ये द्वैत है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण और सगुण दो है ही नहीं, ये शिव बाबा माँ से कहते हैं। देखिए पंक्ति, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुद्ध बेदा, गावहि मुनि पुराण बुद्ध बेदा, अगुणय रूप अलख अज जोई, अगुणय रूप अलख अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, केवल भगत प्रेम, प्रेम बस सगुण सोई, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम वो पर तिलक नहीं जैसे, जल हिम वो पर तिलक नहीं जैसे, जल हिम वो पर तिलक नहीं जैसे, जल हिम वो पर भक्त हैं हम आप। भगवान जो निर्गुण निराकार है, सर्वव्यापी प्रभु विभु है, परम धाम साकेत में जिसका निवास स्थान ऐसा लोक माना गया है, वो परम प्रभु भक्तों के प्रेम बस सगुण स्वरूप धारण कर लेते हैं। देखिए, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जगत गुरु भगवान आदि शंकराचार्य जी ने कहा ना, जीवो ब्रह्म ही बना पर, जो यहाँ है वह वहाँ है क्योंकि वहाँ की कृति यहाँ डाली गई है। भगवान से अलग कुछ भी नहीं है। जो निर्गुण निराकार प्रभु हैं, वही भक्तों के प्रेम बस सगुण साकार स्वरूप लेकर आ गए। जैसे जल द्रवावस्था में रहता है, द्रवीभूत रहता है, जब तापमान की शून्य अवस्था आती है तो बर्फ बन जाता है, फिर जब तापमान बढ़ता है तो वो द्रवीभूत होकर जल बल्कि प्रवाहमान हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारा आपका प्रेम जब दृढ़ होता है, कल जिसका हम लोग स्मरण कर रहे थे, हमारे आपके प्रेम के दृढ़ता के फलस्वरूप निर्गुण भगवान सगुण होके आ जाते हैं। और केवल भगत प्रेम बस,
इस बात को मैं बार बार निवेदन करता हूँ, भगवान रावण को, कुंभकर्ण को, मेघनाथ को, बाल को किसी को मारने काटने नहीं आते। कोई भी अच्छा आदमी अच्छा ही काम करने जाता है। मैं निवेदन करता हूँ, हम कूड़ा निकालने के लिए घर साफ नहीं करते, घर को साफ रखने के लिए घर साफ करते। आजकल एक मशीन चली है, क्या उसको क्या बोलते हैं, इसे लगा देते हैं बच्चे तो उसमें सब जाला माला छिपकली चीटा चाटी सब उसी में घुस जाते हैं। क्या बोलते हैं, वैक्यूम क्लीनर शक करता है। ये हमारे साउंड वाले बच्चे भी रखते हैं, वो मशीन है ना, वो सुख लेती है। तो वो इसलिए कि साफ रहे, कचरा निकालने के लिए नहीं करते हैं। परमात्मा इसलिए नहीं आते हैं कि हमको किसी को मारना है, किसी का वध करना है। क्यों आते हैं, भगत प्रेम बस सगुण सो। हम लोग भगवान के प्रेम के लिए कथा सुन रहे, प्रभु में हमारा प्रेम दृढ़ हो इसलिए भगवान की कथा सुन रहे हैं, गा रहे हैं। दृढ़ हो सरकार में प्रेम। मां का प्रश्न बड़ा अद्भुत है और बाबा का उत्तर इतना है कि 3 घंटे का यही कार्यक्रम है। बहुत देवी, भगवान के बारे में, मेरे प्रभु के बारे में प्रश्न करना इस प्रकार कि निर्गुण से सगुण को है, ये अच्छा नहीं है। ये भ्रम उसी को होता है जिसकी बाल बुद्धि है। जैसे शिव बाबा ने कितना सुंदर कहा, चितवज लोचन अंगुलीला प्रगट जुगल ससिते। जो आंख के ऊपर अंगुली लगा करके देखेगा उसको चंदा मामा दो नजर आते। आप करके देखिए आदर्श भैया, ये बल्ब दो नजर आएगा। अभिप्राय क्या है कि जो बाल बुद्धि रखता है उसी को निर्गुण सगुण दो नजर आते हैं। नहीं तो जो भगत है, मैं कल ही आपसे निवेदन किया, प्रश्नावली तभी तक लंबी होगी जब तक हम भजन नहीं प्रारंभ करेंगे। अब मैं जितने श्रोता है ना, हमसे अधिक प्रश्न किसी के पास नहीं थे। हम इतने सवाल करते थे बाबा जी लोगों से कि घबरा जाते थे लोग, लेकिन सेवा करते थे तो करते थे, इसलिए कोई बुरा नहीं मानते। एक महापुरुष सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने कहा कि देख प्रश्न छोड़कर भजन कर। भजन करेगा, मानस जी को ठीक से पढ़ेगा तो सारे प्रश्नों का उत्तर श्री रामचरित मानस जी में है। और आप ध्यान देंगे, सब कुछ करते रहिए, मानस को मानस में इतना पढ़ो कि मानस में रम जाए। जब मानस मानस में रम जाएगा तो सारा प्रश्न समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मानस प्रश्न नहीं है, हर प्रश्न का उत्तर है जीव के। देवी, राम जी परमात्मा हैं, भगवान के स्वरूप के बारे में कोई आज तक जान नहीं पाया, सबने अनुमान किया है, उस अनुमान के आधार पर वेद भगवान ऐसा कहते हैं, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्रपादा सिरो उर्वाहवे सहस्त्र नाम ने पुरुषात् शाश्वते सहस्त्र कोटि युग दान है नमोस्तु अनंताय सहस्त्र। भगवान जो अनंतानंत हैं, बहुत मुश्किल है साहब, नमस्तनंताय सहस्त्र मूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोर्वाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारिणे नमः। भगवान का स्वरूप क्या है, अरे हजार आंखें नहीं, हजार हजार सौ करोड़ नेत्र भगवान के। दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान ने गीता जी के 11वें अध्याय में जो विराट रूप दर्शन कराया, उसको दर्शन करके अर्जुन थरथरा गए थे, प्रभु आपका दिव्य स्वरूप देखा, मेरा नष्टो मोह स्मृतर लब्धवा। लेकिन कहाँ हुआ, सब ज्ञान सुनने के बाद, अरे 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में बोध प्राप्त हुआ। हम भी जब तक इनमें प्रवेश नहीं करेंगे तब तक बोध नहीं मिलेगा।
बाबा कहते हैं देवी भगवान का कोई आदि अंत जान नहीं पाया, मैं क्या बताऊंगा, ऐसा सुना है क्या? वेद भगवान गाते हैं, बेनु पद चलई सुनई बेनु का बेनु पद चलई सुनई बेनु का कर बेनु करम करई बेदना कर बेनु करम करई बेदना आनन रही सकल रस भोगी बिनु बानी बखता बड़ जोगी बिनु बानी बखता बड़ जोगी तन बिनु परस शरीर नहीं स्पर्श का बोध लेते ग्रह ही ध्यान बिनु वासय से ग्रह ही ध्यान बिनु वासय से असि सब भांति अलौकिक करनी असि सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासो जाई नहीं बलनी महिमा जासो जाई नहीं बलनी जाई नहीं बलनी ऐसा जिसको विद्वान बुद्धिमान वेद भगवान गाते हैं, मुनि लोग जिनका मनन करते हैं, वही चक्रवर्ती महाराज अयोध्यानाथ के पुत्र बनकर आए। कौन? मेरे कौशलपति भगवान। इसको थोड़ा बढ़ाओ प्यारे, लिखना वही जो मैं बोलूं। विष्णु भगवान भरत के अवतार, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत है। गुरुदेव भगवान का चिंतन है, यहां कोई तर्क नहीं, राम अतर्क बुद्धिमन वाणी। तो ये जो अलौकिक व्यवहार है ये परमात्मा का है। कैसे हैं? बिन पद चलई, बिना पद के चलते। कैसे? ये चर्चा होगी। बिना कान के सुनते हैं, बिना नेत्र के देखते हैं, ऐसा क्यों होता है क्या? इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।